तो एलजेब्रा हमने पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उसको कैसे हमको उसका सॉल्यूशन बनाना है वो हमें आज प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। सो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या दिया जाता है कि आपको डेटाबेस का स्कीमा दिया रहता है, क्लियर है। मतलब स्कीमा दिया है मतलब टेबल के नेम दिए हैं, उनके कॉलम के नेम्स दिए हैं, एट्रीब्यूट के नेम्स दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको कुछ क्वेरीज पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द रिलेशन डेटाबेस बिलो वेयर द प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन। तो मैंने अंडरलाइन किया नहीं है, इसको तो सुधार देता हूँ मैं। एम्प्लॉय के लिए जो प्राइमरी की है वो है पी नेम, वर्क्स के लिए जो है वो है पी नेम, सी नेम, कंपनी नेम के लिए भी, सॉरी कंपनी के लिए भी जो है कंपनी नेम, और मैनेजर्स के लिए भी जो है वो है पी नेम। क्लियर। तो आपको दिया है कि कंसीडर द रिलेशनल डेटाबेस बिलो, मतलब ये डेटाबेस दिया है जिसमें आपको फोर टेबल्स दी हुई हैं, कुछ एट्रीब्यूट दिए हैं, और बोल रहा है कि प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन, मतलब प्राइमरी की क्या है, पी नेम एंड सी नेम का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर है सी नेम और यहाँ पर है पी नेम, ठीक है। अब बोलता है कि गिव एन एक्सप्रेशन इन द रिलेशनल एलजेब्रा टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज, ठीक है। ये कुछ क्वेरीज दी हुई हैं, इनका मुझे क्या चाहिए, मुझे रिलेशन एलजेब्रा में उसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और एसक्यूएल में भी इसका सॉल्यूशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि अब आपके एसक्यूएल और एलजेब्रा एक ही यूनिट में आ गया है, ठीक है। प्रीवियस सिलेबस में एलजेब्रा अलग था, एसक्यूएल अलग था, क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेरी, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नेम्स, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए, हु वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी का नाम है कि कौन सी कंपनी में वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय के नेम, तो एम्प्लॉय के नेम मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो एम्प्लॉय के नेम मुझे मिल सकते हैं एम्प्लॉय टेबल से, वर्क टेबल से और मैनेजर्स टेबल से, क्लियर है। लेकिन कंपनी नेम इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन जिसका हो, मुझे उसका क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। तो मुझे कंपनी नेम में भी कंडीशन लगानी है, तो वो मुझे कंपनी नेम कहाँ मिल रहा है, कंपनी नेम कंपनी वर्क्स में मिल रहा है और कंपनी में मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो वर्क्स में मुझे एम्प्लॉय नेम भी है, कंपनी नेम भी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, मैं वर्क्स में से ऐसे रोज को सिलेक्ट करूंगा जिनका कंपनी नेम क्या है, फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो वर्क्स वाली जो रिलेशन है या वर्क्स वाली जो टेबल है उससे हम क्या कर रहे हैं, कंपनी नेम इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की रोज निकाल रहे हैं, और रोज निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, उसका एम्प्लॉय नेम, ठीक है, पर्सन नेम, क्लियर। तो ये मुझे क्या कर रहा है, वर्क्स वाले जो रिलेशन है या वर्क्स वाली जो टेबल है उसी से मुझे क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मिल जा रहा है, क्लियर है। तो पहली क्वेरी जो हमने देखी, वो हमने देखी फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ मुझे कंपनी का नेम भी मिल रहा है, यहाँ पे उसके एम्प्लॉय नेम भी मिल रहे हैं, तो मैं पहले कंपनी नेम इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन निकाल रहा हूँ, फिर उसके सारे एम्प्लॉय के नेम्स को दिखा रहा हूँ। अगर मैं पाई यूज नहीं करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम, सैलरी सब डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेम, ठीक है। अगर ये बोलता फाइंड दी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, एम्प्लॉय और वर्क्स को क्या करना पड़ेगा, नेचुरल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ पी नेम। तो एसक्यूएल क्वेरी अगर इसकी हम देख रहे हैं तो है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम वर्क्स वेयर कंपनी नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, क्लियर। सेकेंड क्वेरी देखते हैं, फाइंड द नेम्स एंड सिटीज ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम और सिटी, ठीक है, मतलब मुझे दो एट्रीब्यूट चाहिए, एक तो चाहिए मुझे नेम और एक चाहिए मुझे सिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। जहां तक मुझे फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए थे, तो मुझे यहाँ इस वर्क से मुझे मिल जा रहे थे, क्योंकि कंपनी नेम इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, उसका नेम मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा था। अब मुझे नेम के साथ क्या करना है, उसका सिटी भी चाहिए, तो एम्प्लॉय की सिटी मुझे कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय टेबल से मिलेगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वर्क्स में से कंपनी नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की रो निकाल दे रहा हूं, ठीक है। वर्क्स में से मैंने
फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की रो निकाली तो मुझे क्या क्या एट्रीब्यूट मिलेंगे? एट्रीब्यूट मिलेंगे मुझे पी नेम, सी नेम एंड सैलरी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के ही रोज आएंगी, कंपनी में इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के रोज ही आएंगे, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के साथ नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय में क्या क्या है मेरे पास, पी नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। तो पी नेम और पी नेम के बेसिस पे क्या होगा, ज्वाइन परफॉर्म होगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वेट हो जाएंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए और सिटी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी नेम को और उसकी सिटी को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन, इसलिए मैं डायरेक्टली पी नेम लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इक्वी ज्वाइन यूज करता तो मुझे इक्वालिटी कंडीशन देनी पड़ती कि एम्प्लॉय डॉट पी नेम दैट इज इक्वल टू वर्क्स डॉट पी नेम, और फिर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट पी नेम को प्रोजेक्ट करना पड़ता, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन, तो पी नेम और पी नेम ऑटोमेटिकली इक्वेट हो जाएंगे, मुझे कंडीशन बताने की नीड नहीं है, प्लस मुझे ये भी बताने की नीड नहीं है कि एम्प्लॉय डॉट पी नेम लिखो या वर्क्स डॉट पी नेम लिखना है, डायरेक्टली मैं पी नेम से रेफर कर सकता हूँ, क्लियर है। सो अल्टरनेट क्वेरीज, या तो मैं क्या करूं एम्प्लॉय और वर्क्स को मैं क्या करूं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर दूं, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा तो अगेन ये किससे परफॉर्म करेगा, पी नेम और पी नेम के बेसिस पे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा। फिर जो भी रोज आएंगी उन रोज पे से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी नेम इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन मैं निकाल ले रहा हूँ, क्लियर है। मतलब ऐसी रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका कंपनी नेम क्या है, फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है। फिर उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि पी नेम और सिटी को क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो बोथ दी क्वेरीज आर इक्विवेलेंट क्वेरीज, ठीक है। मैं एक और क्वेरी लिख सकता हूँ जिसमें मैं लिख सकता हूँ पाई ऑफ एम्प्लॉय डॉट पी नेम कॉमा सिटी फ्रॉम, अब अगर मैं लिखता हूं एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ नेचुरल ज्वाइन, हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं थीटा ज्वाइन, और थीटा ज्वाइन में क्या लूंगा, एम्प्लॉय डॉट पी नेम दैट इज इक्वल टू वर्क्स डॉट पी नेम, ठीक है। और उसके बाद एंड करके मैं यहीं पे कंडीशन दे सकता हूं, या फिर मैं क्या करूं सिग्मा अंदर ले जाऊं मैं, सिग्मा सी नेम इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन फ्रॉम वर्क्स, मतलब ये पूरी की पूरी रो जो है ये मैं यहाँ पे फिर से लिखूं, ठीक है। तो मैं इक्वी ज्वाइन से भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं नेचुरल ज्वाइन से भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन से आपकी क्वेरी जो है वो छोटी नजर आएगी, इसलिए हम नेचुरल ज्वाइन यूज करते हैं, क्योंकि वो इजी, वो आपको क्या आता है, क्वेरी सिंप्लिसिटी में आ जाता है, क्लियर है। थर्ड क्वेरी देखते हैं, फाइंड द नेम्स, हाँ हाँ बोलिए और सेकंड क्वेश्चन निकालिए ना, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के SQL क्वेरी में select distinct p name city from employee फिर comma works where c name equal to first bank corporation, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मतलब ये जो है यहाँ पे हमने comma लगाया, ठीक है। comma लगाने के बाद where आपने ये लगाया, अब यहाँ पे एक condition और लगा दीजिए, and employee dot p name that is equals to works dot p name, dot p name, clear है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है, ये पर्टिकुलर क्वेरी मैंने किससे यूज की है, मैंने इक्वी ज्वाइन से यूज की है, जबकि मैंने जो स्लाइड में लिखी है वो मैंने नेचुरल ज्वाइन लगाई। अगर मैं नेचुरल ज्वाइन लगा रहा हूँ तो कंडीशन जो है मुझे बताने की नीड नहीं पड़ रही है कि पी नेम इज इक्वल टू पी नेम को मुझको ज्वाइन करना है, वो ऑटोमेटिकली कॉमन एट्रीब्यूट पे ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो इन दोनों में क्या है, वो है पी नेम, क्लियर। इसकी और एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं इक्विवेलेंट करूं तो मैं इनर ज्वाइन से ही बना सकता हूं, जिसमें मैं वेयर की जगह ऑन लिखूंगा, ऑन करके और एमपी डॉट पी नेम इक्वल टू वर्क डॉट पी नेम, और फिर लिखूंगा वेयर सी नेम इज इक्वल टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, क्लियर है। सो वी हैव मोर देन वन क्वेरीज जो सेम आउटपुट जनरेट कर सकती है, क्लियर। तो आपको सारे के सारी क्वेरीज प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर है। थर्ड आ जाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फाइंड द नेम्स स्ट्रीट एड्रेस एंड सिटीज ऑफ रेसिडेंस, मतलब नेम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस भी चाहिए और सिटी ऑफ रेसिडेंस भी चाहिए, हु वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन एंड अर्न मोर देन $10,000 पर एनम, ठीक है। मतलब अब मुझ पर उसकी कंपनी का नेम भी है और सैलरी भी है, तो एक कंडीशन और एड हो जाएगी यहाँ पर, कंडीशन क्या एड होगी कि मैं पहले इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करने के बाद मैंने इन दोनों को मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद मैं ऐसी रोज निकाल रहा हूँ जिनका कंपनी नेम जो है वो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन है
एंड उनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। क्लियर है? तो यहां पे लगेगा एंड कंडीशन, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है एंड अर्न मोर देन $10,000, तो एंड लिखा है मतलब हमें एंड ही परफॉर्म करना पड़ेगा। और तब मैं क्या करूंगा, उसका पी नेम स्ट्रीट एंड सिटी निकालूंगा। तो मैं अभी भी यहां पे डायरेक्टली पी नेम लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ थीटा जॉइन। क्लियर? अगर मैं थीटा जॉइन परफॉर्म करता तो मुझे एम्प्लॉय डॉट पी नेम इक्वल्स टू वर्क्स डॉट पी नेम लिखना पड़ता थीटा कंडीशन में, और तब मुझे यहां पे लिखना पड़ता एम्प्लॉय डॉट पी नेम। क्लियर? सो दिस इज इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी तो मैंने आपको पढ़ना बता दिया था, सेलेक्ट पी नेम स्ट्रीट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन वर्क्स वेयर वेयर करके कंडीशन आप लगा रहे हैं सी नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। क्लियर है? आगे देखते हैं, जहां भी आपको डाउट रहेगा आप पूछेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु लिव इन द सेम सिटी एज द कंपनी फॉर विच दे वर्क। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे एम्प्लॉय की नेम चाहिए जो उस सिटी में रह रहे हैं जिस सिटी में उनकी कंपनी है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की जो सिटी है कंपनी की जो सिटी है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय हैं और उनकी जो कंपनी है उन दोनों की सिटी मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय की सिटी मुझे कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय रिलेशन से। कंपनी की सिटी मुझे कहाँ मिलेगी, कंपनी रिलेशन से। ठीक है, अब कौन सा एम्प्लॉय कौन सी कंपनी में वर्क कर रहा है वो मुझे मिलेगा वर्क से। क्लियर है? तो एम्प्लॉय के नेम और एम्प्लॉय की सिटी मुझे यहां से मिली, कंपनी का नेम कंपनी की सिटी मुझे यहां से कंपनी रिलेशन से मिल रही है, और कौन सा एम्प्लॉय कौन से कंपनी में वर्क कर रहा है वो मुझे मिलेगा वर्क रिलेशन से। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों के तीनों रिलेशन को क्या कर रहा हूं, पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूं क्रॉस जॉइन। ठीक है, क्रॉस जॉइन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन दे रहा हूं एम्प्लॉय डॉट सिटी इज इक्वल टू कंपनी डॉट सिटी, मतलब एम्प्लॉय की सिटी और कंपनी की सिटी सेम होनी चाहिए। एम्प्लॉय का नेम वर्क्स के नेम में होना चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय यहां पे है वो यहां पर होने चाहिए, मतलब वो वर्क होने चाहिए इस कंपनी में। ठीक है, और कंपनी जो कंपनी में वर्क कर रहा है उसका नेम इस कंपनी के कंपनी नेम से सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मैंने क्रॉस जॉइन से यूज किया है, आप चाहें तो उसको थीटा जॉइन में भी लगा सकते हैं, लेकिन थीटा जॉइन में होता है वो बाइनरी रिलेशन, यहां पर टर्नरी रिलेशनशिप, तो आपको वन बाई वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम क्या लगाएं, हम लगाएं क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन लगाया मैंने, क्रॉस जॉइन में अब सिटी एक एक दो जो सिटी है वो कॉमन एट्रीब्यूट है, किसमें, एम्प्लॉय और वर्क कंपनी में, तो मुझे एम्प्लॉय डॉट सिटी कंपनी डॉट सिटी करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय और पी नेम में मेरा जो है पी नेम कॉमन है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट पी नेम टू वर्क डॉट पी नेम, और वर्क्स और कंपनी में जो कॉमन है वो है सी नेम, तो मुझे लिखना पड़ रहा है वर्क कंपनी डॉट सी नेम इज इक्वल्स टू वर्क डॉट सी नेम, और तब मुझे चाहिए नेम ऑफ एम्प्लॉयज, तो मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय डॉट पी नेम। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे वर्क्स डॉट पी नेम भी लिखता हूं तो भी मेरा आउटपुट सेम आएगा। क्लियर है? क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। तो मैं एम्प्लॉय डॉट पी नेम लिखूं या वर्क्स डॉट पी नेम लिखूं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, लेकिन लिखना मुझे क्या चाहिए, मुझे लिखना एम्प्लॉय डॉट पी नेम ही चाहिए, क्योंकि मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, वो एम्प्लॉय टेबल से ही मिलेंगे। क्लियर? ये उसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी है, सेलेक्ट डिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट पी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा वर्क्स कॉमा कंपनी वेयर, और वेयर करके मैंने ये तीनों कंडीशन को एंड में दे दिया है। क्लियर है? अब ये क्वेरी जो है बहुत टीडीएस हो जा रही है, बहुत बड़ी हो जा रही है लेबरा के लिए, एसक्यूएल के लिए। इसी क्वेरी को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन वर्क्स नेचुरल जॉइन कंपनी। क्लियर है? तो अब एम्प्लॉय और वर्क्स में हम देखें तो एम्प्लॉय और वर्क्स में मेरे पास कॉमन क्या है, पी नेम है, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी आ जाएगी। अगर मैं वर्क्स और कंपनी की बात करूं तो ऑटोमेटिकली सी नेम के बेसिस पे ज्वाइन कर देगा। अगर मैं एम्प्लॉय और कंपनी की बात करूं तो ऑटोमेटिकली ये सिटी के बेसिस पे ज्वाइन कर देगा। क्लियर है? तो जो तीनों कंडीशन मैंने लिखी थी इससे पहले, जो सिग्मा में तीनों कंडीशन दी थी कि एम्प्लॉय डॉट पी नेम इक्वल्स टू वर्क्स डॉट पी नेम, वर्क्स डॉट सी नेम इक्वल्स टू कंपनी डॉट सी नेम, एंड एम्प्लॉय डॉट सिटी इज इक्वल्स टू कंपनी डॉट सिटी, वो तीनों कंडीशन ऑटोमेटिकली इसमें इम्पोज हो गई। क्लियर? प्लस मुझे जो लिखना पड़ रहा था एम्प्लॉय डॉट पी नेम, अब मैं डायरेक्टली पी नेम लिख सकता हूं।
क्योंकि जो डुप्लीकेट ऑकरेंस है वो नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, एक को रिमूव कर देता है. क्लियर है? तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, एसक्यूएल में बात करें तो एसक्यूएल में इसको हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम इम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन वर्क्स नेचुरल ज्वाइन कंपनी. ठीक है, तो जितनी भी कंडीशंस हैं उनकी नेचुरल ज्वाइन की जो कॉमन एट्रीब्यूट में है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इम्पोज कर देगा. सो दो बोथ द क्वेरीज आर इक्विवेलेंट क्वेरीज. फिर दोनों क्वेरी को हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु लिव इन द सेम सिटी एंड ऑन द सेम स्ट्रीट एज डू देयर मैनेजर्स. मतलब जो एम्प्लॉय हैं और जो उनके मैनेजर्स हैं उनकी स्ट्रीट और सिटी, मैनेजर की स्ट्रीट और सिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. क्लियर है? मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो अपने मैनेजर के स्ट्रीट और सिटी में ही क्या कर रहा है, रह रहा है, तो मुझे ऐसे नेम ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए. ठीक है, तो अब एम्प्लॉय का स्ट्रीट और सिटी कहाँ मिलेगा मुझे, एम्प्लॉय टेबल से. मैनेजर का स्ट्रीट और सिटी कहाँ से मिलेगा, वो भी मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही मिलेगा. कौन सा एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है वो मुझे मिलेगा मैनेजर टेबल से. क्लियर है? मतलब यही मेरा क्या है, एम्प्लॉय है, यही मेरा क्या है, मैनेजर है. ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो ये है, जो मैनेजर है वो ये है. मतलब एम्प्लॉय के मैनेजर नेम मुझे मैनेजर से मिल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एम्प्लॉय नेम, सारे के सारे मैनेजर्स नेम मुझे एम्प्लॉय से मिलेंगे. ठीक है, जो मैनेजर है वो भी एक एम्प्लॉय है, वो भी अपने मैनेजर के अंडर ही काम कर रहा है. एक यहाँ पर क्या है, एक रिकर्सिव रिलेशनशिप है. क्लियर? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, मैनेजर्स को और फिर एम्प्लॉय. ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने पहले एक एम्प्लॉय को बना दिया ई, मतलब उसको एम्प्लॉय बना दिया. ठीक है, एक एम्प्लॉय को मैंने बना दिया एम, मतलब उसको मैंने बना दिया मैनेजर. ठीक है, और साथ ही साथ में क्या कर रहा हूँ, मैनेजर्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मैनेजर्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय. ठीक है, कंडीशन मैंने क्या दी है, कंडीशन देखते हैं. कंडीशन इज इवन डॉट पी नेम दैट इज इक्वल्स टू मैनेजर्स डॉट पी नेम. ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय का नेम है और मैनेजर्स का पी नेम, मतलब जो एम्प्लॉय यहां पे थे वही यहां पर हैं. एमजीआर नेम इज इक्वल्स टू मैनेजर का नेम. ठीक है, जो यहाँ मैनेजर्स हैं वो भी यहाँ के एम्प्लॉय के, मतलब इसको जो मैंने, इसको मैंने एक तो ई बनाया, एक को एम बनाया, तो एम डॉट पी नेम इज इक्वल्स टू मैनेजर नेम. और फिर मैं निकाल रहा हूँ एम्प्लॉय के स्ट्रीट, मैनेजर के स्ट्रीट, और फिर मैं निकाल रहा हूँ एम्प्लॉय के सिटी, मैनेजर के सिटी. ये सब मेरा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए. क्लियर है? अब इस क्वेरी को जो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है, ये मैं ऐसे भी लिख सकता था पाई ऑफ ई डॉट पी नेम, और फिर मैं लिखूं सिग्मा, और सिग्मा करके वन एंड टू थ्री फोर चारों कंडीशन में दे दूं, और फिर मैं लिखूं सिग्मा ऑफ ई फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस सिग्मा ऑफ एम फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस मैनेजर्स. क्लियर है? तो ये क्वेरी और ये क्वेरी बोथ आर सिमिलर क्वेरीज. एसक्यूएल में हम ऐसा ही लिखेंगे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इवन डॉट पी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा मैनेजर्स कॉमा एम्प्लॉय एम. तो एक एम्प्लॉय को ये बना दिया. अच्छा, ये क्वेरी यहां पर गलत हो गई, देखिए चलो मैं ऐसे ही सुधार देता हूं. अच्छा, स्लाइड निपट गई आपकी. अब यहां पर जो है, ये जो इवन लिखा है मैंने, यहां पर ये ई आएगा. क्लियर है? क्योंकि मैंने इवन नाम से किसी को भी रिनेम नहीं किया है. मैंने जो रिनेम किया है वो किससे रिनेम किया है, वो मैंने इवन डॉट, मैंने यहाँ पे ई किया और यहाँ पर एम किया, तो यहाँ पे मुझे ई डॉट पी नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ई डॉट पी नेम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे ई डॉट सिटी लिखनी पड़ेगी. क्लियर है? तो स्लाइड में वो इवन था, उसको मैंने क्या कर दिया है, ई कर दिया है. अब ये क्वेरी मैनेजर्स के बाद एम आएगा, क्या बोल रहा है, मैनेजर्स के बाद. अच्छा नहीं, मैनेजर्स के बाद एम नहीं आएगा, मैनेजर्स को मैं रिनेम नहीं कर रहा हूँ. क्लियर? यहाँ पे देखिए मैनेजर्स डॉट पी नेम लिखा है मैंने, मैनेजर्स को मैं रिनेम नहीं कर रहा हूँ. तो एम क्या है, तो सर एम देखो,
ये जो है ये इम्प्लॉय मेरा एम्प्लॉय है, ये इम्प्लॉय मेरा मैनेजर है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इम्प्लॉय है और ये मैनेजर है, ठीक है। और तीसरा जो है वो मैनेजर्स है, ये बता रहा है कि कौन सा इम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है, क्लियर है, कौन सा इम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है ये बता रहा है मैनेजर्स रिलेशन। तो इस मैनेजर्स को मैं रिनेम नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इसको रिनेम कर सकता हूं, क्लियर है, लेकिन मैं रिनेम क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही बार मुझे मैनेजर्स डॉट पीनेम से ही रिफर करना है, बाकी इसको मैनेजर्स डॉट एमजीआर नेम लिखूं या डायरेक्टली एमजीआर नेम लिखूं दोनों सेम है, क्योंकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, आपको एमजीआर नेम से ही रेफरेंस कर दिया है। अब आप चाहें तो आप इसको भी रिनेम कर सकते हैं, इसको आप सपोज MN से रिनेम कर दें और यहां पे आप लिख दें फिर MN डॉट पी नेम, ठीक है, यहां पे आप MN से आप क्या करें रिनेम कर दें और यहां पे आप क्या कर दें, यहां पर जो है आप MN डॉट पी नेम से उसको क्या करें रिफर करें, दोनों का मतलब सेम है, क्लियर। लेकिन मैंने मैनेजर्स को रिनेम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं एम्बिग्यूटी सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट में आ रही थी, रिलेशन में नहीं आ रही थी, यहाँ रिलेशन में इम्प्लॉय और एम्प्लॉय में एम्बिग्यूटी आ रही है, इसलिए मैंने क्या किया उसको रिनेम कर दिया है, कि एक को मैंने ई बना दिया, एक को मैंने एम बना दिया, क्लियर है सर। हाँ सर, लास्ट में एंड के बाद ई डॉट पी नेम इक्वल टू मैनेजर्स डॉट पी नेम क्यों कर रहे हैं? ई डॉट पी नेम इक्वल टू मैनेजर, हाँ, एक तो मैंने ये पूरा सेव कर दिया है, नहीं तो मैं इनको मिटाता। देखिए ये जो एम्प्लॉय के नेम्स हैं, ठीक है, वो यहां पर हैं, वो एम्प्लॉय नेम मेरा यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये ई और ये ई मैप कर रहा है, तो मैं ई डॉट पी नेम इज इक्वल टू मैनेजर का पी नेम से यहाँ पे क्या करूंगा, चेक करूंगा। और यहाँ पे जो मैनेजर्स डॉट पी नेम है, मतलब जो अब एम्प्लॉय की रोज तो इनसे मैच करेगी, मैनेजर के जो नेम्स हैं उनको मुझे इस मैनेजर नेम से क्या करना है, मैच कराने। तो मैंने यहां पे लिखा है मैनेजर नेम इज इक्वल टू एम डॉट पी नेम, तो जो मैनेजर्स के नेम है वो यहां आ रहे हैं, वो इनसे मैच करूंगा, तब उनके इस मैनेजर्स की स्ट्रीट और सिटी मिलेगी, और इस एम्प्लॉय को मैं यहां से मैच करूंगा तब इस एम्प्लॉय की स्ट्रीट और सिटी मिलेगी मुझे, क्लियर है। तो मुझे यहां पर इनको भी मैच कराना पड़ेगा, आ रहा है समझ में, ये जो मैनेजर है इस मैनेजर को इस मैनेजर से मैच करूंगा तब इस मैनेजर की स्ट्रीट और मैनेजर की सिटी मिलेगी, इस एम्प्लॉय को इस एम्प्लॉय से मैच करूंगा तब इस एम्प्लॉय की स्ट्रीट और एम्प्लॉय की सिटी मिलेगी, तो ये मुझे कंडीशन तो देनी ही पड़ेगी ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन दिस डेटाबेस हु डू नॉट वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब ऐसे मुझे क्या चाहिए, नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कंपनी नेम मिल रहा है फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन और उसके एम्प्लॉय नेम क्या करना है मुझे निकालने थे, तो मैंने इक्वल टू किया था, अब मैं नॉट इक्वल टू करूंगा तो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के नेम मिल जाएंगे, मतलब ऐसे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में वर्क नहीं कर रहे, क्लियर है। लेकिन ये क्वेरी तब काम आएगी जब सारे के सारे एम्प्लॉय किसी न किसी कंपनी में वर्क कर रहे हों, क्लियर है, अगर सारे के सारे एम्प्लॉय नेम यहां पर हैं और उनकी कंपनी का नेम मुझे यहां से मिल रहा है तब ये क्वेरी सही है, लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉय किसी भी वर्क कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेरी में वो क्या होगा, वो एम्प्लॉय नेम मेरे डिस्प्ले नहीं होंगे, क्लियर है। सो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा आर ए क्वेरी, मुझे लिखना पड़ेगा पाई ऑफ पी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब मैंने एम्प्लॉय में से क्या किया सारे को सारे नेम्स निकाले एम्प्लॉय के नेम्स, और माइनस कर रहा हूं मैं पाई ऑफ पी नेम फ्रॉम सिग्मा सी नेम दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन फ्रॉम वर्क्स, ठीक है। तो इस वर्क्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की रो निकाल रहा हूँ, उनके नेम्स मिल जाएंगे मुझे, तो ऐसे एम्प्लॉय नेम्स मिलेंगे जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर दे रहा हूँ सारे के सारे एम्प्लॉय नेम्स से, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय नेम्स ही मिलेंगे जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये क्वेरी जनरलाइज क्वेरी है, ये सभी में काम आएगी,
ठीक है, जबकि ये क्वेरी तब काम आएगी जब ऑल द इंप्लॉइज इज वर्किंग फॉर एटलीस्ट वन कंपनी। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहा है तो उस केस में ये क्वेरी गलत है, जो क्वेरी मैंने अभी लिखी है। कौन सी क्वेरी? ये जो क्वेरी मैंने अलजेब्रा में लिखी है, ठीक है। लेकिन ये क्वेरी जो है ये सभी में काम कर जाएगी, क्लियर है? सो दिस इज मोर जनरलाइज्ड क्वेरी, मोर करेक्ट क्वेरी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन, मतलब वो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के सारे एम्प्लॉय से क्या कर रहा है, ज्यादा अर्न कर रहा है, तभी उसका क्या करना है, मुझे नेम निकालना है। ठीक है, तो अब स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे यहां से मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद जो अदर कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी मुझे वर्क से मिलेगी। तो मुझे वर्क्स और वर्क्स में क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक को क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू वन बना दे रहा हूँ, एक को मैं कर रहा हूँ डब्ल्यू टू। ठीक है, अब डब्ल्यू टी वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन बना दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या कर रहा हूं मैं, इसकी सैलरी से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी आपको क्या करना है, ग्रोस जनरेट करनी है। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया है, पहले एक वर्क्स को W2 बनाया, ठीक है, उस W2 को मैंने कर दिया कि स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की सैलरी ये है। ठीक है, एक वर्क्स को मैंने बनाया W1, W1 की सैलरी ये है, उनको मैं निकाल रहा हूं कि W1 डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू W2 डॉट सैलरी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेरी में जो नेम मुझे मिलेंगे वो कौन से नेम मिलेंगे, कोई बता सकता है कि इसमें जो नेम मिलेंगे मुझे, वर्क्स में मैंने W1 किया, W1 से मैंने नेम निकाले और W1 की सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू W2 डॉट सैलरी की। ठीक है, तो यहां से मुझे ऐसे नेम मिलेंगे जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय के किसी भी एक एम्प्लॉय के सैलरी से लेस हो। ठीक है, किसी से लेस हो या उसके इक्विवेलेंट हो, तो ऐसी रोज मुझे मिल जाएंगी। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन नेम्स में क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने से क्या होगा कि ऐसे एम्प्लॉय नेम्स मिलेंगे जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के सारे एम्प्लॉय से क्या कर रहे हैं, उनसे सैलरी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं को यहाँ पे माइनस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेरी करता और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू मैं यहाँ पे ग्रेटर लगाता, ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी क्वेरी अगर मैं लिखूं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी लिखूं और उसको मैं क्या करूं, इसको अगर मैं क्या करूं यहां पर चेक करूं कि कौन से एम्प्लॉय नेम्स मिलेंगे मुझे, तो ये क्वेरी मेरी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अगर एक से भी ग्रेटर है तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मतलब स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, किसी की सैलरी मान लो 10,000 है, किसी की सैलरी माइनस 20,000 है, किसी की सैलरी मान लो 30,000 है, ठीक है, तो अदर एम्प्लॉय में अगर वो 15,000 वाला भी एम्प्लॉय मिलता है, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, आउटपुट पे आ जाएगा। अगर किसी को 17,000 मिल रहा है तो भी उसको आउटपुट आ जाएगा, और किसी का 40,000 है तो भी उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मुझे 40,000 ही चाहिए, क्योंकि 40,000 ही 10,000, 20,000 और 30,000 तीनों से ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन से ग्रेटेस्ट है, तो ऐसी रो को ही मुझे क्या करना है, ऐसे ही नेम्स मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं डब्ल्यू वन डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टू डॉट सैलरी। तो अगर मैं 15,000 को लूं तो 15,000 इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, तो ये आ जाएगा। 17,000 इज लेस देन 20,000 एंड 30,000, ये भी आ जाएगा। बट 40,000 इज नॉट लेस देन 10,000, नॉट लेस देन 20,000, नॉट लेस देन 30,000, नॉट इक्वल टू 10, 20 और 30,000, तो ये मेरा क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से मैं सारी की सारी रोज निकाल रहा हूँ और उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, ये तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, 40,000 वाले नेम्स। क्लियर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ ज्वाइन के साथ मुझे यहाँ पर माइनस भी परफॉर्म करना पड़ रहा है। क्लियर है, ये क्वेरी आ रही है,
समझ में आ रही, किसी को डाउट है? नल वाले मतलब वो भी आएंगे इसमें, मतलब वो माइनस हो जाएंगे ना इसमें, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, अब एसक्यूएल में मुझे अगर ये क्वेरी लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख सकता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पीनेम फ्रॉम वर्क्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल, और ऑल करके मैं क्या निकल रहा हूं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वर्क्स वेयर कंपनी नेम इक्वल्स टू फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की सारी एम्प्लॉइज की यहाँ पे सैलरी आएगी, इन सारी के सारी सैलरी से अगर जिनका भी ग्रेटर है तो मैंने ग्रेटर देन ऑल लगाया है। ठीक है, ग्रेटर देन ऑल क्यों लगाया, क्योंकि सारे के सारे सैलरी से ग्रेटर जिनका सैलरी है उनका ही मुझे नेम डिस्प्ले करना है। नहीं लगा देता तो ये क्या करता कि ये वही हो जाता कि किसी एक से भी अगर उसका सैलरी ग्रेटर है तो उसकी रोज आ जाती, मतलब 15,000 भी आ जाता, 17,000 वाला एम्प्लॉय भी आ जाता। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑल। क्लियर है? एंड दिस इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, दिस इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नॉन प्रोसीजरल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ सब क्वेरी, जिसमें इंस्टेड ऑफ ज्वाइन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब क्वेरी से बना रहा हूँ, किसमें, एसक्यूएल में। लेकिन एलजेब्रा में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइन प्लस माइनस ऑपरेटर ये सब क्या करना पड़ेगा, करके ही मुझे रिजल्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलजेब्रा में कोई सब क्वेरी नहीं होती है। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एज्यूम द कंपनीज मे बी लोकेटेड इन सेवरल सिटीज। अब ये क्यों लिखा है ऐसा कि एज्यूम मे बी लोकेटेड इन सेवरल सिटी, ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइमरी कीज क्या थी, पी नेम सी नेम। ठीक है, मतलब कंपनी जो है वो एक ही सिटी में हो सकती है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता कंपनी में कि इंफोसिस वो आपका सपोज रायपुर में है, और इंफोसिस और इन्फी ये मेरा क्या पर है, भोपाल में है। ये ऐसा मैं कंपनी में स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्राइमरी की दिया है कंपनी ने। अब ये बोल रहा है कि एज्यूम द कंपनीज में बी लोकेटेड इन सेवरल सिटीज, मतलब अब आप मान के चलो कि ये क्या है कि मेरा प्राइमरी की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, कि ये रिपीट कर रहा है, मान के चलो कि ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी एक से ज्यादा सिटीज में हो सकती है। ठीक है, तब उस केस में क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल कंपनीज लोकेटेड इन एवरी सिटी इन विच स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड। ठीक है, मतलब ऐसे कंपनीज के नेम चाहिए जो उन्हीं सिटीज में लोकेटेड हो जिसमें स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन, मतलब इन्फी की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन रायपुर में भी है, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन भोपाल में भी है, तो मुझे ऐसे कंपनी के नेम चाहिए जो रायपुर और भोपाल में हो, दोनों जगह लोकेटेड हो। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे डिविजन ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगेन एवरी या ऑल नाम का एक क्या है, कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, कि ऑल सिटी या एवरी सिटी मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कीवर्ड पता चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविजन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है क्वेरी, देखिए क्वेरी क्या है कि मैंने कंपनी में से स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की रोज निकाली और उसका मैंने क्या किया, सिटी निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटी मिलेगी, और ऐसी सिटी मिलेगी जिसमें स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन लोकेटेड है, सेट ऑफ सिटीज मिलेगी जिसमें स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन लोकेटेड है। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो कंपनी में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कंपनी नेम है और सिटी है। ठीक है, तो सिटी और सिटी मेरा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास कंपनी नेम। क्लियर? तो वो वही वाला कंपनी नेम बचेगा जिसमें स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के कंपनीज लोकेटेड है, और इस पर्टिकुलर रिजल्ट में स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन भी आउटपुट में आएगा क्योंकि मैं कंपनी से डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? तो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के साथ ऐसी कंपनी भी आएगी जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के सारी सिटीज में लिखे हैं। क्लियर है? तो एलजेब्रा में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कंपनी डिवाइड बाय पाई ऑफ सिटी
फ्रॉम सिग्मा कंपनी इक्वल्स टू स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन फ्रॉम कंपनी, लेकिन एसक्यूएल में डिवीजन ऑपरेशन होता नहीं है, तो एसक्यूएल के लिए हमें वही नॉट एग्जिस्ट वाला नेस्टेड क्वेरी या सॉरी कोरिलेटेड क्वेरी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, अभी तक जो हमने क्वेरीज देखी वो सारी की सारी सेलेक्ट क्वेरीज थी। सेलेक्ट क्वेरीज मींस हमें क्या करना था, कुछ वैल्यूज फाइंड करके लानी थी, कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करनी थी, नेम सिटी या स्ट्रीट जो भी हमें डिस्प्ले करना था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपडेट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन देख रहे हैं। तो ये बोल रहा है मॉडिफाई द डेटाबेस सो दैट जोन्स नाउ लिव्स इन न्यू टाउन, ठीक है, मतलब जोन्स जो एक एम्प्लॉय है उसकी सिटी क्या कर दे रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यू टाउन। मतलब मुझे क्या चेंज करना है, मुझे एम्प्लॉय में से सिटी को क्या करना है, चेंज करना है, इसकी सिटी मुझे करना है न्यू टाउन, किसका, जिसका एम्प्लॉय नेम क्या मिल रहा है मुझे, जोन्स मिल रहा है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला एम्प्लॉय में से जोन्स की रो, ठीक है, उनका नेम एज इट इज रखा, उसका एज इट इज रखा, लेकिन जो सिटी है उसको मैंने क्या कर दिया, न्यू टाउन कर दिया, ठीक है। यूनियन कर रहा हूं, यूनियन करके मैं निकाल रहा हूं एम्प्लॉय में से ऐसी रोज जो जोन्स वाली नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूं एम्प्लॉय माइनस जोन्स वाली रो, तो मुझे ऐसी रो मिलेगी जो जोन्स वाली नहीं है। तो दोनों को मैंने क्या किया, यूनियन किया, यूनियन करके मैं क्या कर रहा हूं एम्प्लॉय में वापस असाइन कर दे रहा हूं। तो जो जोन्स वाली रो है उसमें क्या हो जाएगा, सिटी क्या हो जाएगी, सिटी हो जाएगी न्यू टाउन। क्लियर है? तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपडेट परफॉर्म किया, किसका अपडेट किया, जोन्स की जो सिटी है उसको मैंने अपडेट करके क्या कर दी, अपडेट कर दी कि वो अब क्या करे, वो न्यूटॉन में लिव करे। करना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी इज इक्वल टू न्यूटॉन वेयर। क्लियर? सेकंड क्वेरी देखते हैं, गिव ऑल एम्प्लॉयज ऑफ फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन अ 10% सैलरी रेज। मतलब फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी क्या करनी है, 10% इंक्रीज कर देनी, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन मुझे कहां से मिलेगा, यहां से उनकी सैलरी यहां से मिलेगी, ठीक है, कि फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन जितनी रो है वो उनकी सैलरी मुझे यहां से मिलेगी। तो मैंने वर्क्स में से क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन वाली सारी की सारी रोज निकाल ली, उसका नेम एज इट इज रखा, उसका कंपनी नेम एज इट इज रखा, उसकी सैलरी को मैंने क्या कर दिया, 1.1 इंटू सैलरी कर दिया। फिर मैं यूनियन कर रहा हूं और वर्क्स में से मैं फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन की रोज हटा दे रहा हूं, तो मुझे ऐसे ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज मिलेंगी जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन नहीं है, ठीक है, उनकी पी नेम सी नेम और सैलरी में एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। सो अगेन इट इज एन अपडेट ऑपरेशन, एसक्यूएल में हम परफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.1 वेयर कंपनी नेम। क्लियर है? थर्ड आते हैं, गिव ऑल मैनेजर्स इन दिस डेटाबेस अ 10% सैलरी रेज, ठीक है। अब मतलब मुझे क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉयज को 10% सैलरी रेज देना है जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो मैनेजर्स की मुझे क्या करना है, सैलरी इंक्रीज करनी है। तो मैनेजर्स मतलब वो भी एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी मुझे यहां से मिल रही है, लेकिन वो एम्प्लॉय मैनेजर है वो यहां से पता चल रहा है, मतलब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, तब मुझे क्या करेगा, मैनेजर मिलेगा और मैनेजर की यहाँ पे सैलरी मिलेगी, फिर उस मैनेजर की सैलरी का मुझे क्या करना है, 10% इंक्रीमेंट करना है। क्लियर है? इसको और इसको ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में वो पी नेम से पी नेम को ज्वाइन कर देगा, मुझे ज्वाइन जो करना है वो क्या करना है, इस पी नेम को इसके मैनेजर नेम से ज्वाइन कराना है, तो मुझे इक्वी ज्वाइन ही परफॉर्म करना पड़ेगा, आई कैन नॉट परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्क्स और मैनेजर्स को क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म किया है, और फिर मैंने कंडीशन डाली कि वर्क्स डॉट पी नेम इज इक्वल टू मैनेजर नेम, तो जो मैनेजर नेम है वो वर्क्स डॉट पी नेम से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे मैनेजर्स मिल गए, ठीक है। अब मैनेजर्स की मुझे क्या करना है, नेम एज इट इज रखना है, ठीक है, कंपनी नेम एज इट इज रखना है, और सैलरी भी मैंने फिलहाल एज इट इज रखी है, ठीक है। तो ये क्या किया, वर्क्स डॉट पी नेम, कंपनी नेम और सैलरी क्या किया उसने, T1 में टेम्पररी रिलेशन मैंने क्या किया, ले लिया है। अब इस T1 का मैंने क्या किया है, पी नेम एज इट इज रखा है, कंपनी नेम एज इट इज रखा है, और
सैलरी को मैंने कर दिया 1.1 इनटू सैलरी, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर T1 मतलब उन मैनेजर्स की क्या होगी, सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सैलरी क्या हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें मुझे मिला T2, ठीक है। अब इस T2 को मैं क्या करूंगा, वर्क्स माइनस T1 करूंगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो मैनेजर्स नहीं है, ठीक है। यहां से मुझे मिले मैनेजर्स, मैनेजर्स की मैंने क्या किया 10% इंक्रीज कर दी इसमें। अब उस इंक्रीज वाली रोज को मैंने क्या किया, जो नॉन मैनेजर्स हैं उनके साथ मैंने यूनियन परफॉर्म किया और वापस मैंने क्या कर दिया, वर्क्स में डाल दिया, क्लियर। तो प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी क्वेरी में डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करा रहे हैं। एसक्यूएल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अपडेट वर्क सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.1, मतलब 10% मैंने क्या कर दी, उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी। वेयर पी नेम इन, ठीक है, मतलब मैं वर्क्स को अपडेट कर रहा हूं, तो पी नेम इन मतलब इस वर्क्स के इस पी नेम को मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर मैनेजर नेम से मैच कर रहा हूं। तो मैंने सब क्वेरी लगा दी सेलेक्ट मैनेजर नेम फ्रॉम मैनेजर्स, तो जितने भी मैनेजर्स नेम हैं वो इन इस पी नेम से मैच करेंगे, तब उनकी सैलरी क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीज कर दे रहा हूं, क्लियर है। सो दिस इज नॉन प्रोसीजरल, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सब क्वेरी में लिख दे रहे हैं, बट दिस इज एन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुझे एक एक प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा, पहले मुझे मैनेजर्स निकालने पड़ेंगे, उनकी सैलरी हाइक करनी पड़ेगी, फिर मैं ऐसे ऐसे भी एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे जो मैनेजर्स नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा उन दोनों को यूनियन करूंगा और उनको वापस साइन करूंगा वर्क्स में, क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, गिव ऑल मैनेजर्स इन दिस डेटाबेस अ 10% सैलरी रेज, क्लियर है, मतलब सारे मैनेजर्स की सैलरी इंक्रीज करनी है 10% अनलेस द सैलरी वुड बी ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। मतलब 1 लाख से ग्रेटर अगर होता है तब तक मुझे क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है। अगर 1 लाख से ग्रेटर हो जा रही है, अगर 10% इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो जा रही है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उसको 10% रेस नहीं देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3% रेस देना है, क्लियर है। मतलब मेरे पास दो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैनेजर्स का सैलरी मुझे 10% इंक्रीज करना है, और 10% इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी अगर 1 लाख से ज्यादा हो जा रही है, तो उसकी सैलरी मुझे 10% इंक्रीज ना करके मुझे क्या करना है, 3% इंक्रीज करना है, क्लियर है। और जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है, 1 लाख डॉलर से कम है 10% इंक्रीज करने के बाद, तो मुझे उसको 10% इंक्रीज ही देना है, ठीक है, तब मुझे कम नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला वर्क्स और मैनेजर्स क्रॉस ज्वाइन करके, पहले मैंने मैनेजर्स की रो निकाल ली, मैनेजर्स की रो मुझे T1 में मिल गई, ठीक है। अब T1 में से मैंने क्या किया कि T1.salary into 1.1, अगर मैंने चेक किया कि वो 1 लाख से ग्रेटर है क्या, अगर ग्रेटर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3% उसकी सैलरी इंक्रीज कर रहा हूँ, क्लियर। तो मतलब उसमें इस T2 में ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे जिनकी सैलरी हाइक करने के बाद 1 लाख से ज्यादा हो जा रहा है, उसके समय क्या कर रहा हूँ, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, 3% ही इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूनियन परफॉर्म कर रहा हूँ, और सॉरी यहाँ पे ये क्वेरी गलत है, यहाँ पे इसको T3 करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे T3 करेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, इसको T2 परफॉर्म करेंगे और इसको T3 करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस T1 में से ही मैं फिर से सैलरी इंक्रीज कर रहा हूँ 10%, और 10% सैलरी इंक्रीज करने के बाद 1 लाख या 1 लाख से कम अगर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10% इंक्रीज कर रहा हूँ, उसको मैं परफॉर्म कर दे रहा हूँ T3 में, क्लियर है। मतलब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको कर दे रहा हूँ T3। तो T3 में मुझे, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे T2 भी फिलहाल हटा देता हूँ, यूनियन भी हटा देता हूँ, क्लियर है। मैं यहां से T2 और T3 को हटा देता हूँ, मतलब इन दोनों को मैंने हटा दिया, तो इस T3 में मुझे क्या मिलेगा, इस T3 मुझे ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे, इस T3 मुझे ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनकी सैलरी इंक्रीज करने के बाद, ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे जिनकी सैलरी इंक्रीज करने के बाद वो 1 लाख से कम है, मतलब मैंने उसका 10% इंक्रीज किया है, ठीक है। अब 3% वाले मैनेजर्स मुझे यहां मिले, ठीक है, और 10% वाले मैनेजर्स मुझे यहां से मिले, तो मेरे पास T2 में 3% वाले हैं, यूनियन कर रहा हूं मैं T3 को, ठीक है, तो ये 3% वाले हैं, ये 10% इंक्रीज वाले हैं। अब इसको यूनियन करना पड़ेगा मुझे किससे, वर्क्स माइनस T2 यूनियन T3 को, तब ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे, मतलब
अदर देन मैनेजर्स आपको निकालने हैं, तो अदर देन मैनेजर्स मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है ये क्वेरी सही है। मैंने क्या किया देखिए, मैंने टी टू में निकाल दिया 3% वाले, फिर ये जो है ये मेरा टी थ्री था, ठीक है। इस टी थ्री को फिर से मैंने क्या किया, टी टू में यूनियन करके वापस मैंने टी टू में डाल दिया। तो अब इस टी टू में क्या है, इस टी टू में 3 वाले भी हैं, इस टी टू में 10 वाले भी हैं, ठीक है, दोनों वाले हैं, ठीक है, 3 और 10 दोनों इसमें आ गए टी टू में। तो अब टी टू को मैं क्या कर रहा हूं, वर्स माइनस टी वन से क्या कर दे रहा हूं, मैं यूनियन कर दे रहा हूं। तो टी वन में मुझे क्या मिल रहा है, टी वन में ऐसे इंप्लॉइज है जो मैनेजर्स हैं, तो वर्स माइनस टी वन ऐसे मिलेंगे जो मैनेजर्स नहीं है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों का यूनियन परफॉर्म कर रहा हूं, वापस क्या कर रहा हूं, वर्क्स में मैं डाल दे रहा हूं, क्लियर है। अब इसकी एसक्यूएल क्वेरी मैंने नहीं लिखी है, इसकी एसक्यूएल क्वेरी आप लोग लिख के देखेंगे। इसकी एसक्यूएल क्वेरी के लिए आपको केस स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पिछले एक और क्लास में मैंने केस स्टेटमेंट का लिखा था, ठीक है। तो इसको भी केस से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन है इसमें, 10% भी करना है, 3% भी करना है, तो मुझे केस स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा एसक्यूएल का। लास्ट क्वेरी देख लेते हैं, डिलीट ऑल ट्यूपल्स इन द वर्क्स रिलेशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। मतलब जो जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन में वर्क कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉइज की मुझे रोज डिलीट करनी है, किसमें से, वर्क्स रिलेशन में से, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने वर्क्स में से एम्प्लॉय निकाले ऐसे जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के हैं, उनको मैंने वर्क्स से माइनस कर दिया और वापस मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया वर्क्स में। तो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की रोज क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। एसक्यूएल में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन इज कंपनी नेम इज इक्वल टू स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। तो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की रोज क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, क्लियर है। तो अब इसमें किसी कोई डाउट है पूछ सकते हैं, एनी डाउट। Any doubt?